तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने पृथ्वी 11th 12th अकादमी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके 12th स्टैंडर्ड के पेपर पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा पेपर पैटर्न से रिलेटेड चीजें, कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से हमें किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए प्रिपरेशन करते टाइम, ये सारी चीजों के बारे में मैं एक करके बारे में आपके बात क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो टाइम जाया नहीं करते हुए और स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो पूरी पीडीएफ है, तो पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो ये जो पूरी जो पीडीएफ जो यहाँ पे आपने देखोगे, बहुत मस्त तरीके से, बहुत सही तरीके से एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे करनी है, क्या करना है, कौन सी चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं देखिए, ये सारी जो पीडीएफ होंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा होगा जिसका नाम है प्रतिदिन कॉलेज एंड स्कूल। वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको ये जो पूरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे पेपर पैटर्न की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, जो पेपर होता है, तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो होता है वो टोटल वेटेज कितना होता है, 80 मार्क्स होता है। और वहीं जब मैं ओरल एग्जाम की बात करूँ तो 20 मार्क्स होता है, जिसको हम इंटरनल्स भी बोलते हैं। और ऐसे करके टोटल के 100 मार्क्स का पेपर क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि ओरल एग्जाम के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि ओरल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके की चीजें पूछी जाती है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। ठीक है, अब जो लड़ा ना, हाँ ऐसे ही है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो टोटल जो हमारा पेपर होता है वो टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो सेक्शन होता है हमारा, वो क्या होता है, वो प्रोज वाला सेक्शन होता है, जहाँ पे 34 मार्क्स का ये पूरा वेटेज रखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। वहीं पे दूसरा सेक्शन होता है हमारा पोएट्री सेक्शन, जो हमारा 14 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो हमारी सेकेंड सेक्शन होता है हमारे टेक्स्ट बुक का, जहाँ पे 8 पोएम दिए, 8 पोएम में से हमें 2 पोएम पूछे जाते हैं। तो वो 2 पोएम किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। राइटिंग स्किल, टोटल 12 राइटिंग स्किल हमें पूछी जाती है, जिसमें से हमें 4 अटेम्प्ट करने होता है, और राइटिंग स्किल का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 4 राइटिंग स्किल 4 × 4 16 मार्क्स का होता है। और वही नॉवल, हमारे 4 नॉवल्स हैं जो 16 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब मैं नॉवल की बात करता हूँ, तो नॉवल ऑलरेडी मैंने मेरी जो पुरानी वीडियोज है उसमें भी मैंने पूरा का पूरा नॉवल आपको पढ़ाया हुआ है। स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, तो आप हमें क्या कर सकते हो, आप हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपके रैंकर्स बैच रन हो रही है इंग्लिश के लिए, 12 साइंस के, 12 कॉमर्स के, 12 आर्ट्स की, इंग्लिश की जो बैच रन हो रही है, जहाँ पे आपकी ग्रामर की स्किल्स, आपकी राइटिंग की सारी चीजें कवर कराई जाए। अगर नहीं ज्वाइन किया तो जाके फटाफट ज्वाइन किया जा सकते हो। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले चीज मैं सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ। जब मैं सेक्शन 1 की यहाँ पे बात करता हूँ, तो हमें क्या देखने मिलता है, क्वेश्चन नंबर 1A, जहाँ पे हमें टोटल 6 एक्टिविटीज पूछी जाती है। और ये जो 6 एक्टिविटीज होती है, उसमें जो प्रोज आता है वो हमारे टेक्स्ट बुक का जो पहला सेक्शन होता है, जहाँ पे 8 चैप्टर्स हमें दिए हुए, उन 8 प्रोज में से ही हमें एक प्रोज यहाँ पे आता है, जो कि सीन पासेज होता है, जहाँ पे हमें A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है, A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल दिया जाता है, और A3 जो हमारा होता है वो इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेशन या फिर एनालिसिस, ऐसे 3 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप प्रूव A4 A5 और A6, ये जो 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको जो प्रोज है वो प्रिपेयर करके आपको आएंगे। ठीक है, और ये जो 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन के लिए अब आपको अपनी जो सूझबूझ है वो यूज करनी पड़ेगी। हालांकि वोकैबुलरी की जब मैं बात करता हूँ, तो वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, आपके एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको चैप्टर के अंदर से आने वाला, चैप्टर के बाहर से आने वाला नहीं है। ठीक है, जितने भी 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स में जितने सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, उन्हीं में से चीज आएंगी, उसके अलावा कोई चीज आने वाली नहीं है। अब लैंग्वेज स्टडी की जब मैं बात करता हूँ, तो ये ग्रामर वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रामर वाले पार्ट के लिए आपको ग्रामर के जो बेसिक्स होने चाहिए वो आपको पता होने चाहिए, ग्रामर के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। पर्सनल रिस्पॉन्स, कई बार ये सवाल उठता है कि पर्सनल रिस्पॉन्स अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि पर्सनल रिस्पॉन्स आपको जो है पैसेज में से आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, ये आपको क्या लगता है, आपका क्या सोचना है इस चीज पर, वो आपको यहाँ पे लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है ये आपको टेक्स्ट बुक में से लाया, ये जनरल सवाल होते हैं जो आपको खुद से क्या करने होंगे। फिर लैंग्वेज स्टडी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अब नॉन टेक्सुअल ग्रामर पूछा, जो पहले से पहला पार्ट था, ए वाला पार्ट था, वहां पे जो ग्रामर पूछा जाएगा वो आपके टेक्सुअल ग्रामर होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी वाले जो मैं पार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे, वो नॉन टेक्सुअल ग्रामर के आने वाले। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको स्पॉट में एरर आएगा, ठीक है, फिर डूएज एक्टेड आ सकते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज आपको आ सकता है। डूएज एक्टेड मतलब ग्रामर के कोई भी टॉपिक आपको पूछे जा सकते हैं, और फिर स्पॉट एरर बात करूँ तो कुछ एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगी, आपसे ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप क्या करोगे, आप उसको सही करके करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेक्शन वन का ही, मैं क्वेश्चन नंबर टू ए की बात करूँ, सेम चीज है, सेम तरीके की चीजें रहेगी। अब यहाँ पे चीजें समझना है कि अब ये वाला जो पैसेज रहेगा ये टोटली अनसीन पैसेज रहेगा, जो आपको पुस्तक का नहीं रहेगा, वहां से आपको चीजें करनी है, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज रहेंगी। हाँ, लेकिन जब मैं बी वाले पार्ट की बात करता हूँ तो बी वाले पार्ट में हमें चेंजेस दिखने मिलेंगे। क्या दिखने मिलेगा? यहाँ पे हमें ये रहेगा कि हमें एक समरी लिखनी रहेगी। समरी कौन सी रहेगी मैं बता रहा हूँ, अब ये जो पैसेज आपको आया ना अनसीन पैसेज पैसेज, इसी की आपको क्या लिखनी रहेगी, आपको समरी क्या लिखनी रहेगी। और साथ ही साथ आपको एक माइंड मैपिंग वाला भी क्वेश्चन आएगा। माइंड मैपिंग वाले क्वेश्चन में जनरली आपको करना क्या होता है मैं आपको बता दूं, माइंड मैपिंग वाले क्वेश्चन में आपको कुछ टॉपिक दिया रहेगा, कोई कोई आपको चीज बोली रहेगी और उसका टॉपिक आपको उसका क्या फ्लो चार्ट या फिर कंसेप्ट मैप क्या बनाना रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारा माइंड मैपिंग में रहता है। अब इसको किस तरीके से बनाना है, क्या चीजें करानी है हमें, ये सारी चीजें हम वीडियोस भी लेकर आएंगे। और अगर आप एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे भी हमारा जो रैंकर्स बैच है उस पर जुड़ के क्या कर सकते हो। यहाँ पे पोएम की बात करता हूँ, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, मैंने ये कहा स्टार्टिंग में कि आपको दो पोएम आएंगे। पहला पोएम पे आपको ये सारी एक्टिविटीज आएंगी, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, जहाँ पे आपको ये सारे जो रहेंगे ये दो क्वेश्चन रहेंगे आपको पोएम में से ही आएंगे, जिसके लिए आपको पोएम प्रिपेयर करनी पड़ेगी अच्छे से। और ये वाला जो क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया, पोएटिक डिवाइस हो गए, पोएटिक क्रिएटिविटी हो गई, जहाँ पे कंपोज टू लाइन, यहाँ पे आपको ये जनरल चीजें रहेंगी। क्लियर? आपको आपका जो माइंडसेट है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको जो चीजें आपकी सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर वहीं पे दूसरा एक पोयम आएगा अप्रिसिएशन का। भी अप्रिसिएशन में बता दू, आपके टेंथ स्टैंड की तरह नहीं होता है, यहाँ पे चीजें अलग होती है। टेंथ स्टैंड में अगर मैं बात करूँ तो टेंथ स्टैंड में आपको टाइटल आता था, पोएट का नाम आता था। व्हेन आई डू टॉक अबाउट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ऐसी चीजें नहीं होती है। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपको पोएम को याद करना पड़ेगा, पोएम बेसिकली पोएम को कुछ हिंट देना पड़ेगा, जो सबको ये पता चल जाए कि ये पोएम ये वाली है, उसका टाइटल ये होता है, इसका पोएट ये है, ये एग्जाम में हमें आता नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सेक्शन थ्री राइटिंग स्किल वाला आता है। राइटिंग स्किल में देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको टोटल 12 राइटिंग स्किल आएंगे, आपको बता दूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12, ठीक है। अब ऐसे टोटल 12 आएंगे। अब इसका मतलब क्या है, 12 में से क्या हमें कोई भी 4 अटेंड करने, नहीं मेरे दोस्त मेरे लाल, नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज दिया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन दिया, ठीक है। अब ये तीन दिए, इन तीन में से आपको कोई एक अटेंड करना है, क्लियर हो गया। फिर देखो ईमेल दिया, रिपोर्ट राइटिंग दिया, इंटरव्यू दिया, अब इन ये तीन दिए, इन तीन में से आपको कोई एक अटेंड करना है। वही सी की अगर मैं बात करूँ तो सी में भी एक दो तीन दिया है, अभी तीन में से आपको कोई अटेंड करना, सेम चीज इसमें भी बात करूँ तो रिव्यू ब्लॉग और अपलोड, इनमें से कोई तीन देना। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर हमें कौन सा अटेंड करना चाहिए आपके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से जाओगे तो देखो सबसे पहले चीज मैं ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज देता हूँ पहले ऑप्शन में, दूसरे वाले मैसेज मैं आपको इंटरव्यू के देता हूँ, तीसरा जो रहता है वो स्पीच या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में से आप कोई भी कर सकते हो, और चौथे पहले मैं बात करूँ रिव्यू, रिव्यू आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्यों बोलता हूँ ये मैं रिव्यू, क्योंकि देखो आपको दो ही चीजें पूछेगी, आइदर यू विल बी आस्क्ड बुक की रिव्यू या फिर आपको मूवी की रिव्यू, दो लर्न कर लो, दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करो साल भर, उसके अलावा आपको कोई भी नहीं आने वाला रिव्यू। देन ये चीजें क्लियर हो गई। सेक्शन फोर, अब सेक्शन फोर जो होगा वो नॉवल बेस्ड होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं नॉवल बेस्ड की बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं नॉवल की बात करता हूँ तो टोटल हमारे जो नॉवल्स है वो कितने हैं, हाँ भाई तो क्या हो गया, टोटल नॉवेल कितने हमारे, टोटल नॉवेल की जब मैं बात करता हूँ तो टोटल हमारे चार नॉवेल है, कितने नॉवेल है दोस्तों, चार नॉवेल है, सही बात है। चार नॉवेल में से हमें क्या, हमें चार नॉवेल पढ़ने, हर एक नॉवेल की जो वेटेज होती है वो कितने मार्क्स की होती है, चार मार्क्स की वेटेज होती है, और इसी तरीके से हमारे 16 मार्क्स क्या होते हैं डिसाइड क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला जो नॉवेल आता है मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहला जो नॉवेल आता है उस सबसे पहले नॉवेल में से अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या आएगा, आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो दो मार्क्स से पूछे जाते हैं, वो तो क्वेश्चन होते हैं टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दो मार्क्स आपको एक क्वेश्चन आएगा, दो मार्क्स आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो अबाउट 550 वर्ड्स इज, 550 वर्ड्स इज, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपके नॉवल, लेकिन ये कौन सा नॉवल आता है, ये सेकंड वाले नॉवल में से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से वाले नॉवल से, ये सेकंड वाले नॉवल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको जैसे प्लॉट के बारे में पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा, कोई थीम के बारे में, सेटिंग के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने बोला जाएगा, कंपेयर करना बोला जा सकता है, ठीक है। तो वही पे अगर मैं बात करूँ सेम आपका सी आएगा, तो सी में भी हमें सेम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको थर्ड नॉवल के लिए,
वही अगर मैं बात करूं आगे का जो क्वेश्चन नंबर डी आएगा, तो डी में भी हमें फोर्थ नॉवेल से क्वेश्चन आएंगे, सेम तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे शायद लिखना यहाँ पे आया नहीं, शायद हो सकता है कुछ एरर होगा, ठीक है यहाँ पे मैं इसको सही करवा के आपको भेज दूंगा। तो आई होप सब इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी चीजें खत्म हो गई, और ये किसकी फोटो है, इस फोटो में आपको कौन दिख रहा है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि इस फोटो में आपको कौन दिख रहा है, किसी की जलन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, मुझे जरूर बताना। यहाँ पे मैंने सारी चीजों के बारे में बता दिया, आई होप सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वीडियोस और भी लेकर आऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और अगर आप मेरे बैच से जुड़ना चाहते हैं जो आपके ऑलरेडी एप्लीकेशन पे चल रही है आपके प्रतिदिन कॉलेज एंड स्कूल में, जहाँ पे 799 में आपको सारी चीजें कवर कर रही है, कुछ नोट्स भी आपको दे दिया जाएंगे, कुछ फ्लैश कार्ड भी आपको दिए जाएंगे अपनी सेशन के, जिसके सारी जो चीजें वो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों।